बाबा लोग, अमेजन प्राइम पर एक तड़कती भड़कती वेब सीरीज आई है सिटाडेल हनी बनी, जिसका मेन लीड पर आपको वरुण धवन एंड सामंता रुद्र प्रभु देखने को मिलेंगे। आई नो मैं लेट हो चुका हूँ, अक्सर लेट हो ही जाता हूँ, और मेरा लेट होने का कारण यही होता है कि मुझे ऑनेस्टली बात करनी होती है सारी चीज़ें देख कर परख कर तब। तो बाबा वेब सीरीज़ देख लिए, अभी करने वाले हैं ऑनेस्टली बात, उसके बाद आप तय कर लेना कि इस वेब सीरीज़ पर आपको 5 घंटे खर्च करने हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ पूरे 6 एपिसोड्स में डिलीवर हुई है। तो बस 2 मिनट मुझे दे देना, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं आपको 5 घंटे का आउटकम अच्छा ही दूंगा। बाकी शुरू करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा वेब सीरीज़ की थीम फॉलो करती है स्पाई एक्शन थ्रिलर, जहां एक ऑफिशियल स्पाई एजेंसी है सिटाडेल नाम की, और दूसरी तरफ एक प्राइवेट स्पाई एजेंसी है जिसका कोई नाम नहीं है, और इस एजेंसी को लीड करता है के मैनन, एंड के मैनन डिड ए फैंटास्टिक जॉब। एक बॉस कैसा होना चाहिए वो जान के मैनन ने इस अपने इस करेक्टर में भर के डाली है। कमाल का सातिर बंदा जिसके फेस पे इनोसेंसी एंड केयर टेकर बिहेवियर दिखाकर पहले तो उन्हें जाल में फंसाएगा और उनका इस्तेमाल कैसे कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। दैट्स अ गुड राइटिंग ऑफ दैट कैरेक्टर फॉर के मैनन, क्योंकि वी नो दैट निगेटिव रोल में के मैनन का इतना हाई पोटेंशियल है, और ऐसे रोल सूट भी इसी को ही करते हैं। बात करें वरुण धवन और सामंता रुद्र प्रभु की, तो बाबा दोनों ने ही एवरेज परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हाँ वरुण धवन एज यूजुअल जो हमें दिखते थे उससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। खासकर एक्शन कॉम्बैट सीन दोनों का बहुत सॉलिड रहा है, जिसमें सामंता का एक वो पबजी एंड IGI वाला सीन सिक्वेंस भी देखने को मिला जब वो अकेली घर में सर्वाइविंग मोड पर विलेन को मारती है। All are relative to IGI fight sequence, जो best लगा क्योंकि ऐसे क्लोज एक्शन कॉम्बैट सीन हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। बट ये शो राजन DK का था, तो बाबा इनसे उम्मीद रहती है कि यस ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जरूर दिखाएंगे। बाकी वरुण धवन भी एक्शन के मामले में काफी बेहतरीन उभर के निकलते नजर आया है। बात करें अदर कास्ट की, तो यस सिकंदर खेर जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं इसमें, शिवांकित सिंह परिहर को भी बिग स्क्रीन मिली है, तो ये भी बंदा काफी केपेबल है। उसके बाद विलेन का रोल में साकिब सलीम, भाई इस बंदे ने दिल लूट लिया, जितना रफ एंड टफ ये कैरेक्टर को बना सकता था इसने बनाया, और बस इसी का कैरेक्टर एक ऐसा ओवरवेलमिंग कैरेक्टर लगा जो अक्सर राजन DK अपने राइटिंग एंड डायरेक्शन में उभार के लाते हैं। एक आइकॉनिक कैरेक्टर टाइप, उतना हाई भी नहीं पर था दमदार, लाइक फैमिली मैन श्रीकांत एंड JK तलपड़े जैसे दिग्गज कैरेक्टर देखे गया है। देन फर्जी में उन्होंने सनी मंसूर फिरोज एंड माइकल जैसे कैरेक्टर जो पूरी वेब सीरीज को ओवरवेलम करके गए थे। देन उसके बाद गन्स एंड गुलाब की बात करें तो पन्ना टीपू एंड चारकट आत्माराम जैसे ओवरवेलमिंग कैरेक्टर हमें वहां देखने को मिले थे। बट अगर सिटाडेल हनी बनी की बात करें तो बाबा ऐसा कोई आइकॉनिक या फिर केपेबल एंड हाई पोटेंशियल कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। हाँ राजन DK ने सामंथा का कैरेक्टर हनी को वो हाईलाइट देने की कोशिश करी, लेकिन सामंथा वो क्लिकबेट नहीं दे पाई जिसकी उम्मीद थी लोगों को। बट सिर्फ साकिब सलीम का कैरेक्टर KD ये औसम था। तो इस बार राजन DK की लिखाई में वो पोटेंशियल नहीं देखने को मिला जो हमने फैमिली मैन में देखी थी, फर्जी में देखी थी एंड गन्स एंड गुलाब जैसी वेब सीरीज में देखी थी। बात करें अगर स्टोरी की, तो बाबा इतना कोई हाई मिस्टीरियस थ्रिल स्टोरी नहीं है, बहुत सी जगह मामला प्रिडिक्टेबल लगेगा कि यार ये तो सोचा ही था और यही हो गया। बट हाँ पहले 3 एपिसोड कहानी में हाई टच करके जाएंगे, उसके बाद जो 4th एपिसोड में थोड़ा ड्रैगिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 5th एपिसोड में तो अतई चूतिया काटा है, एंड 6th एपिसोड पर जो क्लाइमेक्स का पार्ट दिखाया भाई उसकी धज्जियां उड़ाई है। पूरी सीरीज में वो बॉलीवुड का चार्म नहीं घुसा था, लेकिन वही बात है ना, हीरो हीरोइन जब एक साथ आ जाते हैं तब न जाने क्या ही हो जाता है उन्हें, मतलब उन कैरेक्टर को स्टाइलिश दिखा देते हैं। गोलियां चल रही हैं और इन्हें स्टाइल मारने में मजा आ रहा है, जहां सामने के हाई ट्रेंड एजेंट को तो भाई इनकी गोली लग रही है अपने हीरो हीरोइन की, बट उनकी गोली अपने हीरो हीरोइन को नहीं छू पा रही है, बट ये फुल स्टाइल मोड में है। बस ये एंडिंग का फाइट सिक्वेंस थोड़ा डिसअपॉइंट करके गया, बाकी हाँ राजन DK का शो है तो यस मजा आएगा, वेब सीरीज आपको एंगेज करके रखेगी। जो गलतियां मैंने कॉल आउट करी है वो सम ऑफ प्लेस पर माइनॉरिटी का काम करेंगी, तो डोंट वरी। अगर आप एक्शन स्पाई थ्रिल शो देखने के शौकीन हो तो ये चीजें आपको नोटिस नहीं हो पाएंगी। सीरीज इज टोटली फैंटास्टिक एंड वन टाइम वॉचेबल, जिसको सेकंड सीजन भी आएगा, एंड ये सीरीज प्रीक्वल है प्रियंका चोपड़ा की सिटाडेल वेब सीरीज का, जो नाडिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और नाडिया डॉटर है अपने हनी बनी की, यानी अपने वरुण धवन और सामंता रुद्र प्रभु की, जो बचपन से ही काफी क्लेवर एंड शार्प माइंडेड किड है, जिसने बचपन से ही एक एजेंट वाली लाइफ जीने का मौका मिला है, क्योंकि उसकी मॉम सामंता उर्फ हनी ने उसे ट्रेन ही ऐसे किया है जस्ट लाइक एन एजेंट, जिसका एटीट्यूड ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग है। तो ये चीज काफी मजेदार लगेगी आपको। सो दैट्स माय रिव्यू फॉर सिटाडेल हनी बनी वेब सीरीज, जो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है, जिसने नहीं देखा है जाके जरूर देखो, और जिसने देख लिया है तो बाबा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे जरूर बता के जाना। बाकी ज्वाइन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट।
मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।